वानस्पतिक प्रोटीन का सस्ता स्रोत, खरीफ की मुख्य तिलहनी फसल, सेहत, भूमि और किसान की जेब सबके लिए फायदों से भरी है मूंगफली। भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है मूंगफली, जिसकी खेती देश में गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में ज़्यादा होती है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और पंजाब में भी मूंगफली की खेती की जाती है। अगर आपने भी मुख्य फसल के तौर पर मूंगफली की खेती की है तो इस फसल के रखरखाव से संबंधित कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। बुआई के बाद फसल कटाई तक आपको किन किन बातों को ध्यान में रखकर चलना है ताकि आपको अच्छी गुणवत्ता युक्त बंपर पैदावार मिले, समझिए और अपनी खेती में अपनाइए। मूंगफली में दो ऐसी स्टेज आती हैं, ऐसे स्तर आते हैं जिस समय पर्याप्त मात्रा में खेत में नमी होना आवश्यक है। एक तो जो है जब खूटियां जिन्हें पैकिंग कहते हैं, जिनको हम कह रहे थे रेशा, जड़ों से जो है नुकीले 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 जो है वो पैकिंग निकलनी शुरू हो जाती हैं खूटियां, इन्हीं खूटियां यही खूटियां जो आगे जब बढ़ के डेवलप करती हैं तो इन्हीं में बाद में जो है मूंगफली के जो है पार्ट्स लगने शुरू होते हैं। तो एक तो जब खूंटियां निकल रही हैं तो उस समय अगर मिट्टी हमारी कठोर होगी तो खूंटियां वहीं की वहीं रुक जाएंगी, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो पर्याप्त मात्रा में नमी होने पर मिट्टी कठोर नहीं होगी और उनको अच्छी तरीके से जो है वो खूंटियों को बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरा, जिस वक्त फली बन रही है उस समय जो है दूसरी सिंचाई करना परम आवश्यक है। पतवार जो हैं इनको नष्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम रसायन से खरपतवार नष्ट कर देते हैं और अगर समय पर हम रसायनों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो फिर खुरपी के द्वारा जो है हम निकाई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो अगर हम रसायन के द्वारा हमको खरपतवार नष्ट करने हैं तो हम जैसे ही मूंगफली की बुवाई करते हैं तो मूंगफली की बुवाई करने के तुरंत एक या दो दिन के अंदर ही पेंडा मैथिलीन 3.3 लीटर को लेकर 700 से 800 लीटर पानी में घोल करके और खेत में छिड़क दें जी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें विशेष कि यदि आपने मूंगफली के जमने के बाद अगर इस दवा को छिड़का तो जितना बीज जम चुका है ये सब नष्ट हो जाएगा, आपकी फसल पूरी नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसके लिए ये बहुत सावधानी रखने की जरूरत है कि बुवाई के एक दो दिन के बाद तुरंत जो है आप इस दवा को भूमि में छिड़क दें। खरपतवार जम रहे हैं, जमने दीजिए। 15-20 दिन के बाद जो आपने 45 लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी आपने रखी है जी जी। तो उसके अनुसार आप जो है वो खुरपी से जो है आप निराई और साथ में गुड़ाई भी कर दें तो उससे आपको यह है कि मिट्टी और भी भुरभुरी हो जाएगी, वायु का संचार और अच्छा होगा और उससे जो है वो जो उसमें जो सूते निकल रहे हैं उनके उनको बढ़वार के लिए भी और वृद्धि होगी। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक तो आपका खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे और दूसरे मिट्टी भी भुरभुरी हो जाएगी, वायु का संचार भी उसमें अधिक होगा। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।